अभी जान की दुख और दुविधा यह है कि इनके मंदिर से 200 क्विंटल का अष्टलिंग मूर्ति चोरी हो गई। जिन पे चोरी का आरोप लगा वो बाबा उनको धक्का मारकर इनका कमर तोड़वा दिया, विकलांग हो चुके हैं। यह न्याय की दौड़ में, न्याय मांगने की दौड़ में एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे बाबा से जानना चाहते हैं कि क्या क्या घटना इनके साथ घटी। देखिए श्रीमान, हमारे यहाँ 30/10/2017 को हमारे गांव की पुरानी राम जानकी ठाकुरबाड़ी की रामलला की सखा सहित 6 मूर्ति को अतिक्रमणकर्ता द्वारा थाना इंस्पेक्टर डीएसपी रोसरा के मेल से बेच लिया और बेच करके झूठा अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर थाना पूरी की गई। तो मैं 10/10 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, चूँकि उस ठाकुरबाड़ी के न्यास के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके यहाँ मैं आमरण अनशन की सूचना दिया और 16/10/11 को प्रखंड कार्यालय हसनपुर के समक्ष आमरण अनशन किया, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रमुख स्थानीय संवाददाता संगठन के समक्ष आश्वासन दिए कि छठ पर्व के बाद भगवान मिल जाए और आप अनशन को तोड़ दीजिए। मैं विश्वास करके अनशन तोड़ा और कल होके सहायक थाना प्रभारी रामेश्वर राम हमको बुला के कहे कि भगवान के नाम की आप चर्चा को बंद कर दें, वरना आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, ऊपर भेजवा दें। स्टेशन डायरी का मालिक हमें दर्जनों मुकदमा में आपको दोनों लड़का के साथ फंसा के बर्बाद कर दें। और 2 रोज के बाद 164/17 एक मनगढ़ंत मुकदमा मेरे दोनों लड़का के साथ किया गया। और फिर जब मैं एसपी साहब से मिला, डीएसपी साहब से मिला, उन लोग कहे आपको क्या ज़रूरत है भगवान को खोजने का, भगवान गया तो जाने दीजिए। तो हम कहे सर, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और ये पौराणिक चीज़ है, 1733 का 2.2 क्विंटल वजन का भगवान थे, ये देश की संपत्ति है, इसलिए हम अपराध विरोधी व्यक्ति हैं, हम बलिदान पड़ जाएंगे लेकिन भगवान के लिए बोलेंगे। पुनः हमने 2/11/17 को आवेदन प्रखंड में क्या कार्रवाई हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर अनशन किए। और भगवान की तरह, भगवान की तलाश में लाल बाबा पहुँचे, भगवान को खोजते खोजते राज्यपाल, न्याय नहीं मिला। इनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो उन्नाव प्रकरण हुआ उससे भी बड़ी घटना इनके साथ घट सकती है और इनके दोनों बेटाओं को केस में फंसा दिया गया। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। भगवान की तलाश में लाल बाबा पहुंचे राज्यपाल निवास, राज्यपाल को दिया स्मार्ट पत्र, कैमरामैन गोस्वामी जी के साथ कौशलेंद्र प्रासर, पटना से।